करती हूँ कि आज दिल्ली की स्थिति जो है वो दिल्ली की स्थिति है और दिल्ली को संभालने की जिम्मेवारी किसकी है, उस सरकार की जो दिल्ली में झूठे वायदे करके जीतकर दिल्ली में आई थी और ये लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की और इस किस्म की बात कर रहे थे। मैं 2015 की प्रेस आपको याद दिलाना चाहती हूँ और इनका आप मैनिफेस्टो भी उठा के देख लीजिए, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम 30,000 बेड्स दिल्ली में लगाएंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, 30,000 बेड्स लगाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट में जब मामले सामने आए तो पता चला कि दिल्ली को आज तक, और वो भी पिछले साल मिलाकर जब केंद्र सरकार का इनके ऊपर प्रेशर था और अमित भाई गृहमंत्री के रूप में लगातार पिछले साल संभाल रहे थे दिल्ली को, तो 354 बेड ऐड किए गए थे, सिर्फ 354। और ये हाईकोर्ट के अंदर एफिडेविट की मैं बात कर रही हूँ। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और जो डिस्पेंसरी जिसको कहा जाता है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, जो कि इनके आने से पहले दिल्ली में उसकी संख्या 265 थी, वो 265 की संख्या घटकर आज 230 रह गई है।